नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तमिल के एक्शन स्टार विशाल की फैमिली के बारे में, जानेंगे इनके परिवार के सदस्यों के बारे में, साथ ही साथ मिलाएंगे आपको कुछ ऐसे लोगों से जिनको शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर साउथ के लगभग सभी एक्टर्स की फैमिली के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप अपने पसंदीदा वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों विशाल की गिनती तमिल के टॉप एक्टर्स में होती है। ये अपने धमाकेदार एक्शन के लिए जाने जाते हैं और पूरे पैन इंडिया में इनके फैंस की कमी नहीं है। दोस्तों ये 30 से अधिक फिल्मों में नजर आ चुके हैं और इनकी हर फिल्म को हिंदी में डब किया जाता है। वैसे इनका पूरा नाम है विशाल कृष्णा रेड्डी। इनका जन्म 29 अगस्त 1977 को चेन्नई में हुआ था। दोस्तों इनके पिता का नाम है जीके रेड्डी, जो कि एक एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर हैं। ये राक्षसी, दमयंती और रिची जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा डुगू, उनका कुदुंब जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके हैं। दोस्तों जीके रेड्डी कुछ फिल्मों के एक्शन डायरेक्टर भी रह चुके हैं, साथ ही साथ ये आज भी अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। वहीं विशाल की माता का नाम है जानकी, जो कि एक हाउसवाइफ हैं। दोस्तों विशाल कुल 3 भाई बहन हैं, जिसमें इनके बड़े भाई का नाम है विक्रम कृष्णा और इनकी छोटी बहन का नाम है ऐश्वर्या। दोस्तों बात करें अगर विशाल के बड़े भाई विक्रम कृष्णा की, तो मैं आपको बता दूं ये भी तमिल के एक एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने लव मैरिज, महाप्रभु और अन्ना थांगची जैसी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा विशाल की काफी सारी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। दोस्तों विशाल की फिल्में सत्यम, पिस्ता, वेदी और सैल्यूट जैसी फिल्मों को इन्होंने ही प्रोड्यूस किया है। इनकी शादी हुई है सन 2008 में श्रिया रेड्डी से। दोस्तों श्रिया भी एक एक्ट्रेस हैं, जो कि तमिल की काफी सारी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स में नजर आ चुकी हैं। ये विक्रम सर की मूवी समुराई, काची वरम और भरत चंद्रन आईपीएस जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा ये एक एंकर भी हैं और वीजे भी हैं। इनकी एक बहन भी है जिनका नाम है ऐश्वर्या। दोस्तों ऐश्वर्या फिल्मों से दूर रहती हैं। इनकी शादी कृपेश से हुई है, जो कि एक बिजनेसमैन है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे सबके चहेते विशाल की। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, विशाल का जन्म चेन्नई में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी करी थी। इनके पास विजुअल कम्युनिकेशन की डिग्री है, जो कि इन्होंने लॉयला कॉलेज चेन्नई से ली थी। दोस्तों विशाल के पिता प्रोड्यूसर थे, इसलिए फिल्मों में आने में ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन अभिनय की बारीकियां सीखने के लिए ये सबसे पहले अर्जुन सरजा सर के असिस्टेंट डायरेक्टर बने। उन दिनों अर्जुन सरजा सर वेदमुई बना रहे थे, जिसके वे खुद हीरो भी थे। दोस्तों इसी फिल्म के विशाल असिस्टेंट डायरेक्टर थे। हालांकि इससे पहले विशाल साल 1989 की मूवी जड़ी केट्टा मूडी फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आ चुके थे। इन्होंने 2004 की मूवी चेलम्मा से अपना डेब्यू किया। दोस्तों फिल्म से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं थी, लेकिन यह मूवी एक सरप्राइज हिट साबित हुई और ये मूवी 100 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर चलती रही। इसके बाद विशाल अपने भाई की मूवी सदा कोजी में नजर आए। ये मूवी 2005 की बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और 200 दिनों तक थिएटर्स में चलती रही। दोस्तों उस समय विशाल को सबसे तेज उभरता हुआ एक्शन हीरो कहा जाने लगा था। इसके बाद विशाल थिमूरू मूवी में नजर आए और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसर साबित हुई। इस तरह विशाल ने 3 सफल फिल्मों की हैट्रिक लगा दी। हालांकि इसके बाद की इनकी मूवी सिवापथिगरम बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई और उस समय क्रिटिक्स ने यहां तक कहना चालू कर दिया कि इन्हें एक्टिंग नहीं आती है और हर फिल्म में इनका एक ही फेशियल एक्सप्रेशन होता है। इसके बाद इनकी 5वीं फिल्म पोंगल के दिन पर रिलीज हुई। ये पोंगल का दिन था, इसलिए उस दिन और भी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हो रही थीं। इनकी टक्कर तमिल के टॉप एक्टर्स थलापति विजय और थला अजीत से हो रही थी। इसी दिन विजय की मूवी पोकरी, अजीत की मूवी अलवर और विशाल की मूवी थामीरा परानी रिलीज हो रही थी और उस समय विशाल की फिल्म को सबसे कमजोर आंका जा रहा था, जिसमें अजीत साहब की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और विशाल विजय की फिल्में 200 दिनों तक थिएटर्स में चलती रहीं। पोकरी भी सुपर हिट रही और विशाल की फिल्म भी सुपर हिट साबित हुई। दोस्तों अब तक विशाल का तमिल इंडस्ट्री में पैर जम चुका था। इसके बाद इनकी मूवी मलाई कोट्टई रिलीज हुई। 2007 की इस फिल्म ने 45 करोड़ की कमाई करी और ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। दोस्तों अब तक विशाल 6 फिल्मों में बतौर लीड एक्टर नजर आए थे, जिसमें 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। इसके बाद इनकी मूवी सत्यम फ्लॉप रही और इनकी अगली 2 फिल्में बामुश्किल से एवरेज साबित हो पाईं।
इन फिल्मों को तेलुगु में भी डब करके रिलीज किया गया, लेकिन तेलुगु ऑडियंस ने सिरे से इन फिल्मों को नकार दिया। इसके बाद ये साल 2011 की मूवी अवन इवन में नजर आए, जिसमें इनके साथ आर्या भी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर चल पड़ी, लेकिन इनकी अगली मूवी वेदी फिर से फ्लॉप हो गई। दोस्तों 2011 से 2014 के बीच इन्होंने फ्लॉप पर फ्लॉप फिल्में दी और कैरियर पूरी तरह से डगमगा गया था। मजबूरन इनको अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलना पड़ा था, जिसका नाम रखा गया था विशाल फिल्म फैक्ट्री। इसके बाद ये साल 2014 की मूवी पुजई में नजर आए, जिसको खुद विशाल ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म का हिंदी में नाम रखा गया था हिम्मतवार। दोस्तों ये फिल्म चल निकली और एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद विशाल 2015 की मूवी अम्बाला में नजर आए। इस फिल्म को भी विशाल ने खुद ही प्रोड्यूस किया था और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। फिर 2015 से 2016 के बीच विशाल की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई, उसमें कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई। इसके बाद 2017 में इनको सफलता हाथ लगी। फिल्म का नाम था डैशिंग डिटेक्टिव और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। दोस्तों 2017 में ये मलयालम की फिल्म विलन में भी नजर आए, जिसमें इनको मोहनलाल सर के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला और ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद विशाल द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु मूवी में नजर आए, जिसमें इन्होंने अपने मास्टर अर्जुन सरजा को भी कास्ट किया। ये विशाल की होम प्रोडक्शन फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। साथ ही साथ 3 महीनों तक ये थिएटर्स में चलती रही थी। फिलहाल इसके सीक्वल पर काम चल रहा है। दोस्तों इसके बाद विशाल 2005 की अपनी सुपरहिट फिल्म सदा जोगी के सीक्वल सदा जोगी 2 और टेम्पर मूवी के रीमेक आयोग में नजर आए, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। इसके अलावा इनकी मूवी एक्शन भी रिलीज हुई, जिसमें ये धमाकेदार एक्शन करते हुए नजर आए। दोस्तों आने वाले समय में विशाल चक्र, डैशिंग डिटेक्टिव 2 और द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु 2 जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। दोस्तों विशाल नादीगर सरगम के मेंबर रह चुके हैं, जो कि साउथ के एक्टर्स की एसोसिएशन है, जहां नासर इनके प्रेसिडेंट थे, वहीं कार्ती सर भी कमेटी के मेंबर थे। वहीं साल 2017 में इन्हें TFPC यानी तमिल फिल्म प्रोड्यूसर काउंसिल में प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। इसके अलावा विशाल ने आरके नगर में इलेक्शन के लिए अपना इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन दिया था, लेकिन जयललिता की डेथ की वजह से इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया था। वहीं बात करें विशाल के मैरिटल स्टेटस की, तो मैं आपको बता दूं ये तमिल के एक्ट्रेस अनीसा अला रेड्डी से इंगेज्ड हैं, जो कि अर्जुन रेड्डी और पेली चोपलू जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। ये जल्द ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा विशाल सर पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। इस वीडियो में हमने विशाल सर की फैमिली के साथ साथ उनकी बायोग्राफी और फिल्मोग्राफी को भी कवर किया है। आपको विशाल सर कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अप किस एक्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।